तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियो अपलोड करूँ आगे उनके अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ASCII का पूर्ण रूप होता है, इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 ईस्वी में। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट यानी कि TB। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम ने। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। सीरे CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीयक पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटलुक है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। कितने किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है? 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2 यानी कि 0 और A1 एक। ASCII में करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिससे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडंडेंट।
राइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम है मोडेम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का विकास किसने किया है? जेएस किलबी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल संदीप दाल को सब्सक्राइब जरूर करें।